करनाल में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत बनाने की बात उन्होंने इस बैठक में की। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में पार्टी की सोच को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अभय चौटाला द्वारा हरियाणा परिवर्तन यात्रा निकाले जाने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुंडू की तो सुनी थी। नासिर जुनैद के नरकंकाल मिलने के मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह मामला अभी जांच में है और उसमें कुछ ट्रेसिंग होती है तो जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों ने सवाल किया कि जेजेपी ने 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन हाल में जारी हुए हरियाणा के बजट में सिर्फ 250 रुपए ही पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि 250 रुपए तो बढ़े, अब तक की अपडेट यह है कि अगर कुछ बढ़ोतरी हुई है तो लोगों ने उसका आभार जताया है, जिसकी हमें भी खुशी है और समय के अनुसार भी आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी कि इसको 5100 रुपए तक लेकर जाया जाए। कैसे आगे पार्टी संगठन को और मजबूत करना है और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल साथियों का जो योगदान रहता है उसके ऊपर चर्चा की गई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी की जो सोच को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटेलेक्चुअल सेल के साथियों का। एक सर दीवानी में नरकंकाल मिले हैं, उसको लेकर क्या? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसकी कोई ट्रेसिंग होती है सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। जो पेंशन बढ़ी है सर 250 रुपए, लोग कह रहे हैं कि 5100 रुपए, चलो 250 तो बड़ी। आज के दिन एक चीज तो है कि कोई इंक्रीज हुआ है उसका लोगों ने आभार जताया है और हमें भी खुशी है, और कितना बढ़ेगी तो समय के अनुसार है। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा लेकर जाए। जिस आदमी ने आरोप लगाए मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं, इससे ज्यादा मैं उस पर जवाब। 24 में गठबंधन सर में चुनाव लड़ा जाएगा, अभी तक तो गठबंधन है। अगर पंजाब केसरी चाहता है टूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता आर्य जी, मगर अभी तक दोनों पार्टियां मजबूती से चल रही है और मजबूती से। जेजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर हर बंधन रहा तो संगठन के साथी की यही सोच होती है कि उनकी पार्टी का नेता आगे लीड करे। आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों के साथ चली और देश के अंदर 300 का आंकड़ा पार किया। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य के अंदर पॉसिबल नहीं है? कमेटी बनाई गई है, 3 तारीख से उनकी बैठकें शुरू होंगी, उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। मैं तो इतना बोलूंगा कि जो पार्टी अपने संगठन को नहीं जोड़ पाती वो हाथ को क्या हाथ से जोड़ पाएगी। कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती हुई और देश को ये समझ आ चुका, आगे भविष्य में कांग्रेस क्या करती है, क्या योजना बनाती है, कैसे प्रोसीड करती है, तो भविष्य की